सर बताते हैं यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान जी ने तपस्या किया है, कामदेव को भस्म किया है। पानी की बूंदे आ रही है, इतनी ठंडी है मैं बता नहीं सकता। अगर 16 किलोमीटर चलने ना होते तो मैं वापस चले जाता, इतना बढ़िया लग रहा। हर हर महादेव। आज 13 जून है और अभी मैं गौरीकुंड में हूँ। सुबह के 11 बज रहे हैं और कल रात को हम यहाँ केदारनाथ से नीचे पहुँचे थे। वहाँ से 2:30 बजे निकले थे केदारनाथ से, और स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहा, बहुत आराम आराम से नीचे आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में हमारी हालत ख़राब हो गई। बारिश हुई थी उसकी वजह से पूरे रास्ते में कीचड़ हो गया था और बहुत जाम लगा था। घोड़ों ने एकदम अति कर दी थी, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था और इतना पैर स्लिप कर रहा था कि चलना मुश्किल हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत टाइम लग गया आते आते और इतना थक गए थे हम कल कि रात के 9 बज गए हमें पहुँचते पहुँचते। तब धीरे धीरे चल चल के आना पड़ा और बहुत थक गए थे, तो इसकी वजह से हम गौरीकुंड में ही रुके। पहले हमारी प्लानिंग थी कि सोनप्रयाग में रुकेंगे और फिर वहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे हैं गौरीकुंड में और आज यहाँ से हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास है, 200-250, तो देखते हैं कितना पास तक जा सकते हैं। पहाड़ों में थोड़ा चलना भी थोड़ा स्लो होता है, गाड़ी थोड़ी स्लो ही चलती है, लेकिन केदारनाथ में बहुत मज़े आए। हमने बहुत मज़े करे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और वहाँ का वेदर बहुत अल्टीमेट था, बहुत ही शानदार था। अगर 16 किलोमीटर चलने ना होते तो मैं वापस चले जाता, इतना बढ़िया लग रहा था, लेकिन 16 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आइए, क्योंकि चलने पड़ेंगे। अगर आप खच्चरों के सहारे नहीं जाना चाहते या हेलीकॉप्टर के सहारे नहीं जाना चाहते तो चलने की प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि उसके बिना बहुत हालत ख़राब होने वाली है। बाकी चलते हैं अब बद्रीनाथ, देखते रहिए। हर हर महादेव। हेलो मिस्टर शर्मा। हे शेखर, हाउ आर यू? गाइस, टायर पंचर बना रहे हैं हम, पहाड़ों में ये सब भी करना पड़ता है। जय महादेव। हर हर महादेव। हम कल केदारनाथ से निकले थे और बद्रीनाथ जा रहे थे और रास्ते में हम गोपेश्वर रुके और आज गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने आए हैं। ये मंदिर है और पीछे त्रिशूल है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत बहुत पुराना मंदिर है। हमने साधु बाबा से बात की है, वो इस मंदिर के बारे में बता रहे, आइए सुनते हैं। सामने देखिए, ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, ये पंच केदारी में आता है। चौथा केदार, पहला केदारनाथ, दूसरा मधुरेश्वर, तीसरा तुंगनाथ और चौथा रुद्रनाथ। ये भगवान रुद्रनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है। ये यहाँ पर ये गोपीनाथ जी हैं, जिनको गोपीनाथ इसलिए कहते हैं कृष्ण की राष्ट्रीला देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया था, इसलिए यहाँ पर इनको गोपीनाथ कहते हैं। और बताते हैं यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान जी ने तपस्या किया है, कामदेव को भस्म किया है इस स्थान जी। त्रिशूल के बारे में ये देखिए, सामने त्रिशूल है, ये अष्टधातु का है, इसको स्पर्श करने से शिव शक्ति रूपेण च कनिष्ठिका कम पाते स्पर्श रूपेण मात्रण कोटि पापण से, जो है शिव की शक्ति है, कनिष्ठिका के स्पर्श करने से हल्का सा वाइब्रेशन होता है, उस पर कंपन होती है, उसको जो है ताकत नहीं लगानी, हिलाना नहीं है, उसको केवल टच करना है, केवल इस तरीके जैसे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को टच करें, केवल आप ताकत लगाने की जरूरत नहीं है उसमें,
और मंदिर कितने साल पुराना हो गया? ये तो 6वीं सदी का मंदिर है, राजा सागर ने मंदिर का निर्माण किया, स्थान प्राचीन है। अच्छे से यहाँ पे दर्शन हो गई है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से बद्रीनाथ जाएंगे। 120 किलोमीटर है। ये जो गुप्तेश्वर धाम का मंदिर है ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के एकदम बीच में है, तो यहाँ से कम 5-6 घंटे में लगेंगे बद्रीनाथ पहुँचने में। तो चलिए अब बद्रीनाथ चलते हैं। हर हर महादेव। What are you saying, Jigar? For how many days you planned to your trip? I only thought Kedarnath to go back. I didn't plan like that. Because you only mentioned Kedarnath, right? Yeah. So I say, okay, Kedarnath done, then I go back. Now we plan Badrinath, Gangotri and Yamunotri. No, I don't want to go back. Gangotri, Yamunotri is very far. हर हर महादेव। अभी हम बद्रीनाथ में हैं और पीछे बद्रीनाथ का मंदिर आप देख सकते हैं। अभी हम कुंड में नहाए और उसके बाद ऊपर आ गए हैं। बहुत क्राउड था, लाइन लगी हुई लंबी, तो उसकी वजह से मंदिर के अंदर नहीं गए, नहीं तो 4-5 घंटे एक लाइन में ही लग जाते। और अभी यहाँ से हम वो सामने आपको जो झरना दिख रहा है वहाँ जाना है और फिर उसके बाद माना गाँव जाएंगे, फिर और जाएंगे। तो टाइम कम आ रहा है, मंदिर के अंदर नहीं है, दर्शन करिए। बहुत ही खूबसूरत है लेकिन बहुत क्राउड है यहाँ पे। खाली टाइम पे एक बार आना पड़ेगा, उससे उधर कहाँ जाएंगे? सितंबर के आसपास जब खाली बंद होने वाला होता है उससे पहले खाली रहता है, तब आएंगे एक बार फिर से और अच्छे से दर्शन करें। आराम तो अब हम मंदिर से निकल चुके हैं और वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। मैं रास्ते में पूछा तो बता रहे हैं कि थोड़ा दूर है, 4 किलोमीटर है। अभी मार्केट वाले एरिया में है और फिर यहाँ से मार्केट वाला एरिया ख़त्म होगा, उसके बाद ऊपर पहाड़ों में चढ़ना है, तब वाटरफॉल आएगा। तो चलिए चलते हैं। पैर तो दर्द कर रहे हैं लेकिन वाटरफॉल तक तो जाना ही है। चलिए वाटरफॉल देखते हैं। तो हम अब वाटरफॉल के पास आ चुके हैं और यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आप देख सकते हैं पूरे पानी की बूंदें उड़ उड़ के आ रही हैं, बहुत ही कमाल का है। देखिए बहुत ही खूबसूरत, बेहद ही लेंस पर पानी आ गया साफ करते हुए। गाइस बहुत ठंड है, जो ये पानी की बूंदें आ रही है ना इतनी ठंडी है मैं बता नहीं सकता, मैं पूरा भीग गया ये पानी के बूंदों से ही। और बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, मजे आ गए। कहते मजे आ